अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमन नजीब, आप देख रहे हैं फोर अंडाज की एक और वीडियो। आज की वीडियो में है हमारे साथ डियाना AR8 एनटेक। जी बिल्कुल, ये नेट्रो पिस्टन है, गैस रैम वाली। डियाना ने इसको एनटेक का नाम दिया है। हेडसन या दूसरी कंपनी कोई इसको नेट्रो पिस्टन कहता है और कोई गैस रैम। तो ये स्प्रिंग की जगह वो इस्तेमाल की जाती है वो चीज़। बहुत ही खूबसूरत ये गन है, पिस्टल ग्रिप थंबल स्टाइल, बहुत खूबसूरत। इसका जो स्टॉक है खूबसूरत है। जब पहली बार आप इसको देखते हैं तो दिल आ जाता है इसके ऊपर देखने में। ये बहुत ही खूबसूरत गन बनाई है उन्होंने। पीछे रबड़ तो नहीं है, प्लास्टिक है। इसका सिंथेटिक स्टॉक है और हॉलो है। यहाँ पे ये रबड़ दिया गया है, रबराइज्ड है। जैसे ही आप को करते हैं शोल्डर तो ये अच्छी फीलिंग होती है। यहाँ पे पिस्टल ग्रिप में ये स्टेप लेंथ बनाई गई है और आगे भी, ताकि ग्रिप अच्छी हो। मैं करीब से दिखा दूँ आपको। जी दोस्तों, पीछे रबड़ नहीं है, प्लास्टिक है। स्टॉक भी प्लास्टिक का है, लिखा हुआ AR8 प्रोफेशनल सक्सेस। ये रबराइज्ड है, यहाँ पे रबड़ दिया गया है इसका। ये सॉफ्ट महसूस होता है। पिस्टल ग्रिप है, थंबल स्टाइल, बहुत खूबसूरत लगती है ये चीज़। मुझे ज़्यादा तौर पर यह चीज़ पसंद है। आगे ट्रिगर की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिगर है इसका, T06 ट्रिगर। किसी भी दुनिया की किसी भी स्प्रिंगर का ये बेस्ट ट्रिगर है। इससे पहले T05 था, अब T06 ट्रिगर आ रहा है। बहुत ही लाइट क्रिस्प ट्रिगर है। 2-स्टेज फुली एडजस्टेबल ट्रिगर है। पीछे दी गई है जी ऑटोमेटिक सेफ्टी। जो ही आप इसको लोड करते हैं, कॉक करते हैं, तो सेफ्टी ऑन हो जाती है। ऊपर 11mm की डॉप्टर रेल दी गई है, जिसके ऊपर हमने स्कोप लगाई है डिस्कवरी की HD 5-20-50। अच्छी स्कोप है स्प्रिंगर के लिए, ये बेहतरीन झटका बर्दाश्त करती है। ये है जी इसका नाम, डियाना AR8 एनटेक। ये इसका सीरियल नंबर है, मेड इन जर्मनी है जी ये गन। साइटें होती हैं इसके साथ, पीछे भी साइट होती है और आगे भी साइट होती है। मैंने वो उतार दी है, स्कोप लगाई है। तो ये साइटें हैं, ये फ्रंट साइट है आगे वाली, ये पीछे वाली साइट है। मेटल की साइट है, दोनों साइटें मेटल की हैं और बहुत मजबूत हैं, रिमूवेबल हैं। ये स्क्रूज खोल के आप इनको उतार सकते हैं और लगा भी सकते हैं। इस गन के वज़न की बात करें, इसका वज़न है जी 3 kg 772 g। और इसके बैलेंस की बात करें तो बैलेंस इसका बिल्कुल भी नहीं है, आगे की तरफ वज़न है। टोटल जो वज़न है वो आगे की तरफ है। तो अगर आप ऐसे करके एम करते हैं तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि सारा वज़न इस हाथ पे आ जाता है। तो ये आगे टोटल वज़न जो है इसका वो आगे की तरफ है। ओवरऑल लेंथ की बात करें तो ये 49 इंच की ये गन है, तकरीबन 48.5 इंच से ऊपर है इसकी लंबाई। और इसकी बैरल जो है वह 19.5 इंच की लंबी बैरल है। इसकी प्राइस है जी 46,000 रुपये। आप हमसे खरीद सकते हैं, नीचे मैं नंबर दे दूंगा। इसकी वेलोसिटी चेक करते हैं जी, प्रो मैग्नम के साथ 15.42 ग्रेन का ये पैलेट है। देखते हैं कितने FPS देती है इसके साथ। ₹1,026। ये शॉट गन के FPS हैं, 1,058। ये हैं जी इसकी FPS, इसकी वेलोसिटी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे चैनल के 50,000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो चुके हैं। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक का करम है। इंशाल्लाह बहुत जल्द 1,00,000 भी हो जाएंगे। मैं आप तमाम भाइयों का मशकूर हूँ जिन्होंने सब्सक्राइब किया है ये चैनल, हम पे एतमाद किया है। इंशाल्लाह मैं आपके एतमाद पे पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा जी, वीडियो शुरू करने से पहले
एक भाई हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मेरे चैनल को प्रमोट कर दें। उनके चैनल है जी मेहरान टेक्निकल के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे, तो ये चैनल है, इस भाई की हेल्प करें, इस चैनल को विज़िट करें। अगर आपको लगे कि हाँ वाकई इस भाई की मेहनत है तो सब्सक्राइब लाजमी करें। आपके सब्सक्राइब करने से एक भाई की हेल्प हो जाएगी, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। 20 यार्ड पे इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं। सबसे पहले गेम ओके TS22 22 ग्रेन का ये पैलेट है, वो इसलिए कि ये बहुत बहुत ही पावरफुल गन है, बल्कि एक्स्ट्रा पावरफुल गन है। स्प्रिंगर में इतनी पावर किसी काम की नहीं होती मेरे हिसाब से। जितनी आप पावर लेंगे उतनी ही एक्यूरेसी कम होगी, और इसके अलावा कॉकिंग भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी पावरफुल स्प्रिंगर की या नेट्रोपिस्टन की, क्योंकि ये नेट्रोपिस्टन है, बात एक ही है। इसको मैंने मैच से भी, गेमों के मैच के साथ भी आजमाया है और प्रोमोगनम के साथ भी। 15.42 ग्रेन का ये पैलेट है, लेकिन इसके हिसाब से ये हल्का है, कोई एक्यूरेसी नहीं मिलती, इधर उधर मारती है ये। अब सबसे पहले TS22 के साथ इसको आजमाते हैं, फिर JSB के साथ भी इसको आजमाएंगे। काकिंग इसकी बहुत हैवी है, और इसके अलावा इसका एक और मसला है, इसकी बैरल ड्रूप है। ड्रूप बैरल क्या होती है, एक होता है ये इसका सिलेंडर और आगे होती है बैरल। सिलेंडर बिल्कुल सीधा और जो बैरल होती है वो नीचे को झुकी हुई होती है, उसको ड्रूप बैरल कहा जाता है। इस तरह की बैरल पे स्कोप का ज़ीरो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बाज़ अवकात आपको पीछे पैकिंग देनी पड़ती है ताकि स्कोप का पीछे वाला हिस्सा ऊपर उठे और वो ज़ीरो हो, नहीं तो फिर आप घुमाते जाएंगे क्लिक ख़त्म हो जाएंगे, स्कोप ज़ीरो नहीं होगी, नीचे ही मारती रहेगी। तो इसको भी, इसके साथ भी ऐसा मसला है, ज़ीरो नहीं हुई। अब मैं इसको आखिरी मेल डॉट पर रख के शूट करूँगा। शुरू करते हैं जी पहली शॉट। इसका ट्रिगर बहुत ज़बरदस्त ट्रिगर है, सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे लगी है इसका ट्रिगर है, बिल्कुल टच सिस्टम है ट्रिगर इसका। बहुत ज़्यादा पावर है और उतनी ही मुश्किल कॉकिंग। ऑटोमेटिक सेफ्टी है, हर बार आप इसको हटाएंगे। TS के साथ एक्यूरेसी फिर भी ठीक दे रही है, झटका बहुत ज़्यादा है, स्कोप अच्छी लगाएं, जब भी इसके ऊपर लगाएंगे आप बहुत अच्छी स्कोप लगाएंगे, ये आम स्कोपों को एक ही झटके में तोड़ देगी। बहुत लाइट ट्रिगर है, जिस तरह की हैवी गन है उतना ही इसका ट्रिगर लाइट है, बिल्कुल टच, हाथ ही लगाते हैं तो ये चल जाता है। जी बेहतर है एक्यूरेसी इसकी। आप इसको आजमाते हैं JSB के 18 ग्रेन के साथ, 9 बैच का ये पैलेट है, देखते हैं इसके साथ कैसी एक्यूरेसी मिलती है।
जी बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। इसका ये स्टॉपर आपको पता है डायना की क्वालिटी, जर्मन क्वालिटी, बहुत अच्छी एडवेंस बनाते हैं। पीस है 8 रुपये, अच्छी क्वालिटी मिल रही है हमें अब तक। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल गाना है तो इस पे आप भारी पैर से यूज़ करेंगे, हल्के पैर के साथ ये कभी भी एग्रेसिव नहीं रहेगी। थोड़ा नीचे लगा है, जी अच्छी एक्यूरेसी है। स्कोर मेरे पीछे आ गई है, इसको आगे करते हैं। जब भी इस पर लगाएं बहुत अच्छी स्कोप लगाएं जो रिकॉयल बर्दाश्त करे, वरना स्कोप आपकी ख़राब हो जाएगी। ये स्कोप अच्छी है, डिस्कवरी की HI सीरीज़ की स्कोप है, लेकिन बेहतर ये है कि इस पर आप डायना का बुल्ज़ाई ज़ीरो रिकॉयल माउंट इस्तेमाल करें। जो ही झटका लगता है वो पीछे हो जाता है, झटका वो बर्दाश्त करता है, तो वो कोई भी पावरफुल स्प्रिंगर यूज़ करें तो उसके लिए वो बेहतर है माउंट, वरना स्कोप नहीं टिकेगी आपके। अच्छी एक्यूरेसी मिली हमें 18 ग्रेन के साथ भी, TS-20 के साथ भी, रेड स्टार भी है मेरे पास। सुपर फील को आजमा के देख लेते हैं। ये जी RWS का सुपर फील्ड है, ये 15.90 ग्रेन 16 ग्रेन का है ऑलमोस्ट। इसमें से खुशबू ऐसी आ रही है जैसे आपने कारतूस चलाया हो, बारूद की खुशबू आ रही है, पता नहीं बहुत किस वजह से है, शायद ये नई न्यू है, बहरहाल रगड़ की वजह से। जेस बैडीज ये आ गए हैं जी रिजल्ट। सबसे पहले हमने गेमों के TS-22 का आजमाया था, तो ये है बिल्कुल सेंटर टू सेंटर, तो ऐसा 0.87, ये पूरे एक इंच में है जैसे 18 ग्रेन के साथ। ये RWS के सुपर फील्ड हैं और ये है जी इसका रिजल्ट है। अगर इस एक पैलेट को छोड़ा जाए तो बाकी क्या किलो पावर मिला है वो भी तकरीबन 0.5 में है। बहुत ज़्यादा पावरफुल गन है, बल्कि एक्स्ट्रा पावर है इसकी। अगर आप पहली बार कोई एयर गन लेना चाह रहे हैं तो आप ये मत लें, ये आपके लिए नहीं है बिल्कुल। कॉकिंग इसकी मुश्किल है, संभालना इसका मुश्किल है, पावर इसकी बहुत ज़्यादा है, बैलेंस नहीं है, आगे की तरह वज़न है तो आपको ये मुश्किल पैदा कर सकती है। और ये बच्चों का खेल भी नहीं है, 15 साल के हैं या इसे कम वाले लड़के हैं वो भी ये ना लें, उनके लिए भी ये नहीं है। ये बहुत भारी है, पावर ज़्यादा है, काके की मुश्किल है। प्रोफेशनल बंदा ले सकता है इसको, जो पुराना शिकारी हो, जो इसको संभाल सके, जो इसकी पावर को हैंडल कर सके,
उसे लेनी चाहिए। इस पावर के साथ आप बड़ा शिकार कर सकते हैं, बड़े शिकार से मुराद खरगोश आसानी से मार सकते हैं। इसके साथ गीदड़ आ गया, कुत्ता, कोई आवारे कुत्ते हैं आपके इर्द गिर्द, उनको मारने के लिए फिट है। इसकी प्राइस है जी 46,000 रुपये, आप हमसे ले सकते हैं, नंबर मैं नीचे दे दूंगा। आप हमें कॉल करें, व्हाट्सअप करें, ऑर्डर करें, ये पूरे पाकिस्तान में आपके घर तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। ये थी, आपकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।